हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक। दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को TVS की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एक मोपेड आप लोगों को दिखाने वाला हूं। ये है दोस्तों TVS XL 100 कम्फर्ट। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था XL 100, लेकिन वो हैवी ड्यूटी था। ये उससे एक अपर मॉडल है, इसका नाम है कम्फर्ट। इससे एक और अपर मॉडल भी आता है, लेकिन ये जो ये मिड वाला वेरियंट आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा इससे रिलेटेड, सारी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, हम प्राइस के बारे में फिर बात करेंगे, साउंड के बारे में बात करेंगे, माइलेज के बारे में बात करेंगे, एंड लास्ट में मैं इसकी फाइनेंस की डिटेल आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर आप इसको फाइनेंस कराना चाहते हैं या लोन कराना चाहते हैं तो आप लोगों की कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट आएगी एंड आपकी कितनी EMIs आएंगी। लास्ट में मैं आप लोगों को दोस्तों सब चीज़ें बताऊंगा, सारी ही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूंगा इससे रिलेटेड। आप लोगों ने इसके सिनेमेटिक्स एंजॉय कर लिए होंगे दोस्तों, तो चलिए आप शुरुआत करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन से। शुरुआत करता हूँ टायर से। तो इसके अंदर आप लोगों को फ्रंट बैक दोनों 16 इंचेस के टायर मिलते हैं, 16 इंचेस के टायर आप लोगों को मिलते हैं इसके अंदर। टायर साइज आप लोगों को स्क्रीन पे आ रहा होगा दोस्तों। ट्यूब टायर आप लोगों को इसके अंदर मिलते हैं एंड स्पोक रिम्स आप लोगों को इसके अंदर दिए जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 16 इंचेस का फ्रंट बैक दोनों टायर इसके अंदर, सेम टायर आप लोगों को मिलता है, जो आगे है वही पीछे टायर है इसका। एंड इसके अंदर आप लोगों को CBS मिलती है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आप लोगों को इसके अंदर मिलता है। अगर आप आगे वाली ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये दोनों ही दबेंगी, तो इस वजह से आपकी जो टायर है वो स्लिप नहीं होगा दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर इसके अंदर आप लोगों को मिलता है। फ्रंट में इसमें आप लोगों को दोस्तों एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सस्पेंशन आप लोगों को मिलते हैं इसमें। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, बात करते हैं इसके मडगार्ड के बारे में। तो इसमें आप लोगों को एक मेटल का मडगार्ड जो है वो दिया जाता है दोस्तों। आप लोग ये देख सकते हैं, मेटल का मडगार्ड आप लोगों को इसके अंदर मिलता है। एंड आगे इसमें आप लोगों के स्क्रैचेस ना पड़े तो इसमें आगे भी आप लोगों को एक रबड़ का इसमें दिया जाता है, मडगार्ड प्रोटेक्टर आप लोग कह सकते हैं। इस वजह से आगे से हिट करे तो ये आपको जो मडगार्ड है वो डैमेज ना हो, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को दिया जाता है। जो हैवी ड्यूटी वाला होता है उसमें सस्पेंशन अलग होते हैं दोस्तों, उसमें आगे आप लोगों को ये हेड भी नहीं मिलता है, सीट अलग होती है एंड बैकरेस्ट भी उसमें अंदर आप लोगों को नहीं मिलता है। तो इसके अंदर ये काफ़ी सारे आप लोगों को चीज़ें मिलेंगी, डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ, वीडियो में बने रहना। फ्रंट में इसमें आप लोगों को एक हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट दी जाती है, आप लोग ये देख सकते हैं दोस्तों, हैलोजन बल्ब वाले ही आप लोगों को इसमें इंडिकेटर दिए जाते हैं। एंड आप लोगों को TVS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है ऊपर, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोगों को हेड इसमें मिलता है कम्फर्ट वाले वेरियंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को इसमें ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि स्टिकर ग्राफिक्स हैं, सारे आप लोगों को ग्राफिक्स इसमें देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं दोस्तों, बात करते हैं इसके हैंडल एंड इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर। तो आप लोग इसका पहले हैंडल देख सकते हैं, ये काफ़ी छोटा सा आप लोगों को इसके हैंडल जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को इसमें ब्रेक्स मिलती है दोनों साइड में दोस्तों, जैसे इसमें क्लच वगैरह नहीं है, गियरलेस है ये, तो इसमें आप लोगों को गियर वगैरह की कोई झंझट नहीं है इसके अंदर आप लोगों को। मीटर आप लोग इसका देख सकते हैं, आप लोगों को 80 की टॉप स्पीड इसके अंदर मिलती है। अंदर TVS की आप लोगों को ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। चाबी की बात करें इसमें ऐसे आप लोगों को इसकी की जो है वो देखने को दोस्तों मिल जाएगी। हैंडल और स्विचेस की बात करें तो एक अच्छी खासी क्वालिटी के आप लोगों को इसके अंदर स्विचेस वगैरह जो है देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। हाई बीम लो बीम का स्विच आप लोगों को इसके अंदर मिलता है, इंडिकेटर्स का स्विच आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों। नीचे आप लोगों को हॉर्न देखने को मिलता है इसमें, साइड में आप लोगों को यहाँ पे एक सेल्फ का स्विच जो है देखने को दोस्तों मिल जाता है। ये किल स्विच भी है एंड सेल्फ भी, आप नीचे इसको प्रेस करेंगे तो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर आप लोगों को सेल्फ किक दोनों ही देखने को मिलती है, तो वो भी आप लोगों को इसमें एक अच्छा वाला फीचर मिलता है। इसमें खाली किक वाला भी ऑप्शन आता है, वो थोड़ा सा सस्ता है इससे, जिसमें आप लोगों को सेल्फ जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ उसमें आप लोगों को किक मिलेगी। बाकी आप लोगों ने इसका हैंडल वगैरह जो है देख लिया, ये आप लोगों को इसका हैंडल मिलता है, एक उठा हुआ है ऊपर को राइस पोजिशन में इसमें आप लोगों को मिलता है। 4 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसके अंदर आप लोगों को मिलती है दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ से आपकी फ्यूलिंग वगैरह होगी। ये इसका फ्यूल टैंक है। TVS की ब्रांडिंग आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड ये कलर आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को एक व्हाइट कलर मिल रहा है, रेड कलर मिल रहा है इसमें आप लोगों को। एक लेग गार्ड इसके अंदर आप लोगों को लगा लगाया मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं इसको, काफ़ी लोग क्रैश गार्ड कहते हैं, काफ़ी लोग इसको लेग गार्ड कहते हैं, तो ये इसमें आप लोगों को जो है लगा लगाया ही दिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसका इंजन आप लोगों को नीचे मिलता है, आप लोग ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इंजन है इसका। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को 99.7 CC का इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 4.3 BHP की पावर विद 6.5 Nm ऑफ टॉर्क। अब ये सेल्फ किक दोनों स्टार्ट आप लोगों को मिलती है, सेल्फ भी है और किक भी आप लोगों को इसके अंदर मिलती है, आप लोग ये देख सकते हैं इसकी किक, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को इसमें किक जो है देखने को मिल जाती है। एंड ये EFI वाले इंजन है दोस्तों, नया, इसमें कार्बोरेटर आप लोगों को नहीं मिलेगा, FI मिलेगा इसके अंदर। जैसे कि ये BS6 है तो इसके अंदर आप लोगों को फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है देखने को मिलता है, जिस वजह से आपकी माइलेज जो है वो ज़्यादा आएगी। अभी थोड़ा रुक के मैं इसकी माइलेज आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, पहले स्पेसिफिकेशन की जो हम अच्छे से बात कर लेते हैं। इंजन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे एक फुटरेस्ट देखने को मिलेगा, ये आगे आपको फुटरेस्ट रखने का भी काम आएगा, आप यहाँ पे सामान भी लोड इसमें रख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। एंड ये सब आप लोगों को यहाँ पे मेटल का मिलता है, ज़्यादातर बॉडीज़ की आप लोगों को दोस्तों मेटल में मिल रही है, इसकी जो मडगार्ड्स है वो मेटल के हैं, ये मेटल का आप लोगों को मिलता है, सिर्फ ये इसमें प्लास्टिक आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है, बाकी ज़्यादातर चीज़ इसमें आप लोगों को मेटल की ही दी जा रही है।
एक्सएल 100 कंफर्ट की ब्रांडिंग आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। EFI लिखा हुआ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था फ्यूल इंजेक्शन इसके अंदर आप लोगों को मिलता है, FI टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, बात करते हैं इसकी सीट के बारे में। तो इसमें आप लोगों को एक अच्छी खासी कुशनिंग वाली सीट मिलती है, आप लोग देख सकते हैं कुशन है सीट के अंदर। पीछे आप लोगों को एक बहुत ही प्रीमियम सा एक आप लोगों को बैकरेस्ट इसके अंदर देखने को मिलता है, इसकी भी कुशनिंग अच्छी खासी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा मोटी सीट आप लोग देख सकते हैं, तो कंफर्ट आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। जैसे कि इसका नाम है कंफर्ट, तो ये जस्टिफाई करता है अपने नाम को। काफ़ी अच्छी आप लोगों को इसमें जो सीट्स देखने को मिलती है, जिसकी कलर की बात करें तो ब्राउन और बेज कलर में आप लोगों की सीट जो है वो देखने को मिलती है। तो काफ़ी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है इसका। एंड आप लोगों को यहाँ पे सामान वगैरह कैरी करने के लिए आप लोगों को एक हुक मिल जाता है यहाँ पे, आप पकड़ के बैठ रहे हैं पीछे तो आप उसको पकड़ भी सकते हैं, तो ये भी एक आप लोगों को इसमें मिल जाता है। दोस्तों पीछे वाले सस्पेंशन की बात करें तो रियर में आप लोगों को इसमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, पीछे आप लोगों को एक फुटरेस्ट देखने को मिलता है। बाकी जो इसकी चेन है वो आप लोगों को कवर मिलती है, ओपन चेन नहीं दी गई है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों स्टैंड आप लोगों को दोनों मिलते हैं, साइड स्टैंड भी आप लोगों को इसके अंदर मिलता है, एंड जो मिड वाला स्टैंड है वो भी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि ड्यूल स्टैंड भी होता है। अब आई टच स्टार्ट आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आई टच क्या होता है दोस्तों, वो यही होता है कि सेल्फ है इसके अंदर, आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं सेल्फ वगैरह भी, ठीक है। तो अब बात करते हैं पीछे से, तो ये इसकी रियर से लुक होने वाली है। पीछे आप लोगों को यहाँ पे टीवीएस की ब्रांडिंग जो देखने को मिल जाती है, एक बल्ब वाली इसके अंदर आप लोगों को टेल लाइट देखने को मिलती है, बल्ब वाले ही इंडिकेटर मिलते हैं, एंड रियर मडगार्ड आप लोग देख सकते हैं, ये भी आप लोगों को मेटल में दिया जाता है। पीछे आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों नंबर प्लेट वगैरह लग जाती है, एंड रियर की प्रोफाइल ही होने वाली है। रियर में इसमें आप लोगों को एक छोटा सा रिफ्लेक्टर जो है देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बात करते हैं इसके साइलेंसर के बारे में, तो ये इसका साइलेंसर होने वाला है, जिसमें आप लोगों को ऊपर क्रोम प्लेट एक दी जाती है, एंड साइलेंसर के ऊपर भी आप लोगों को इससे फुटरेस्ट एक देखने को मिलता है। बात करते हैं दोस्तों इसके कर्व वेट की, ये सिर्फ इसका जो वेट है वो आप लोगों को 86 kg मिलता है, सिर्फ 86 kg की आप लोगों को ये पूरी की पूरी मोपेड आप लोगों को देखने को मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 158 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है दोस्तों। एंड सीट हाइट की बात करें तो 781 mm की सीट हाइट इसके अंदर आप लोगों को देखने को दोस्तों मिल जाती है। आपको अगर वेट वगैरह कैरी करना है, आपको माइलेज से प्यार है, आपको लो मेंटेनेंस चाहिए, सो इसमें आप लोगों को काफ़ी कम जो है लो मेंटेनेंस देखने को आप लोगों को इसके अंदर मिलती है, तो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है ये चलने में। एंड इसकी प्राइजेस की बात करें तो आप लोगों की स्क्रीन पे आ रही होगी इसकी प्राइजेस दोस्तों, जिसकी प्राइजेस अब चेंज हो चुके हैं, तो आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहे होंगे इसके प्राइजेस। अब बात करते हैं इसकी माइलेज की, दोस्तों माइलेज की बात करें तो इसमें आप लोगों को जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो 65+ है, लेकिन ये आप लोगों को जो यूज़र रिव्यू है वो 55 या 60 तक की माइलेज का है, मतलब 55 से 60 की माइलेज आप लोगों को ये दे देगा इजीली दोस्तों, कंफर्ट वाला वेरिएंट एंड हैवी ड्यूटी वाला वेरिएंट भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब तक हमने सारी स्पेसिफिकेशन की बात कर ली है, प्राइस की बात कर ली है, माइलेज की बात कर ली है, साउंड की बात कर ली है, अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, वो है इसकी फाइनेंस की डिटेल। अगर आप इसको फाइनेंस कराना चाहते हैं या लोन कराना चाहते हैं तो आप लोगों को कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट आएगी, आपकी कितनी EMIs होंगी, तो आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को इसकी फाइनेंस की डिटेल देता हूँ दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, अगर आप इसको लोन कराना चाहते हैं या फाइनेंस कराना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होंगे। फ्रेंड्स आपके बिल्कुल सिंपल से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, जिसमें एक आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी 2 passport size photo, आपके 3 cancel check या एक आपका डेबिट कार्ड। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आपका लोन दोस्तों ईजिली हो जाता है, कोई भी इशू नहीं आता, ठीक है। अब बात करते हैं उनके लिए जो रेंट पे रहते हैं, दोस्तों रेंटेड पर्सन के लिए भी लोन है वो ईजिली हो जाता है। अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है, दिल्ली का कोई एड्रेस प्रूफ है, तो आपका लोन भी इजीली हो जाएगा, उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं डाउन पेमेंट की। फ्रेंड्स आप इसको मिनिमम 5 से 6 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट करके या 7 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट करके, मिनिमम से मिनिमम इतना आप डाउन पेमेंट करके इसको ले सकते हैं। बाकी जितनी ज़्यादा डाउन पेमेंट आप लोग करेंगे उतनी कम आपकी EMIs हो जाएंगी दोस्तों। लेकिन ये जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ ये मिनिमम बता रहा हूँ दोस्तों, एंड इसमें एक कंडीशन है, आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 या 800 रहना चाहिए आपका सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर इससे कम है तो आपका लोन है वो 90-95% तक अप्रूव नहीं हो पाएगा। आज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये 95% तक अप्रूव करने के बाद आप लोगों को लोन मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को समझाने के लिए जो मैं मिनिमम डाउन पेमेंट लेकर चलूंगा वो लेकर चलूंगा 6,000 रुपये मात्र डाउन पेमेंट करने के बाद आपकी 12 महीने की EMI जाएगी 7,526 रुपये, 24 महीने की आएगी 4,151 रुपये, 36 महीने की आएगी 2,992 रुपये। सो फ्रेंड्स ये हैं सारी EMIs जो आप लोगों को पे करनी पड़ेगी 6,000 रुपये डाउन पेमेंट करने के बाद। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था, हमने इससे रिलेटेड कंप्लीटली डिटेल में बात कर ली है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे चुका हूँ इससे रिलेटेड, सारी स्पेसिफिकेशन की बात कर ली है, माइलेज की बात कर ली है, प्राइस की बात कर ली है, एंड मैंने वो बात भी कर ली है दोस्तों जो हर कोई अपनी वीडियोज में नहीं करता, फाइनेंस की डिटेल आप लोगों को देना। तो फ्रेंड्स मैंने इसकी फाइनेंस की डिटेल भी आप लोगों को घर बैठे बैठे ही दे दी है, एंड आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसमें से आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना रह जाता है
तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को हर बात का जो है जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।